नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस की नाक के नीचे से पुलिस थाने पर खड़े 3 ट्रक चोरी करके चोर फरार हो गए। थाना पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जब थाने पर ट्रकों की गिनती हुई तब 3 ट्रक कम पाए गए। चोरी की बात पुलिस के संज्ञान में आई। दरअसल थानों में खड़े वाहनों के सामान चोरी होने की बात अब पुलिस के लिए आम हो चली है। आए दिन थानों पर खड़े वाहनों की बैटरी और अन्य सामान चोरी हो जाने की बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार चोर मोरंग से ओवरलोड 3 ट्रक ही चोरी कर ले गए। जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। सर, बकेवड़ थाने से मोरंग के ट्रक सीज करे हुए चोरी की सूचना है, क्या मामला है पूरा? थाना बकेवड़ पे, क्योंकि हाईवे पे ये सूचना थी कि ओवरलोडेड मोरंग के ट्रक निकलते हैं, उस पर वहाँ सघन चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही है। उसमें थाने पे काफ़ी संख्या में ट्रक मोरंग के वहाँ पे सीज करके, क्योंकि इसमें जब ट्रक सीज होता है तो 3 विभाग इसमें उसे क्लियर कराते हैं, AITO का और इसी के साथ जो ये व्यापार कर वाले हैं वो, और खनन वाले। थाना परिसर बकेवर में इतनी जगह नहीं है कि सारे ट्रक अंदर आ जाएं, वहाँ करीब 30-35 ट्रक हैं जो बाहर खड़े हुए थे। परसों कुछ ट्रकों का रिलीज हुई थी जिन्होंने विधिवत अपने सभी वो दे दिए थे, सारे विभागों से क्लियरेंस ले लिया था। उसी में जब वो रिलीज हुए थे ट्रक, तो 2-3 ट्रक कम मिले, जो कल सुबह जब थाना बकेवर पुलिस ने उन्हें देखा तो 3 ट्रक कम थे जो सीज किए गए थे, जिनका अभी क्लियर नहीं हुआ था विभिन्न विभागों से। उस पर तत्काल थाना बकेवर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसको रिकवरी के लिए टीम भेज दी गई है। अभी 2 ट्रकों की बरामदगी अलग अलग जनपदों में हो गई है, वो लेके आ रहे हैं, और तीसरे के लिए भी टीम अभी गई हुई है। इन सभी लोगों को जेल भेजा जाएगा और पुनः इन ट्रकों को सीज करके जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। क्या वो प्रोफेशनल चोर ले गए उसको या कोई और वजह लग रही है? नहीं, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ड्राइवर्स के कागज रख लेते हैं, क्योंकि बाहर होने के कारण उन्हीं की रहते वो थाने पे उनके लिखापढ़ी में रहते हैं, लेकिन उनकी सुपुर्दगी में, क्योंकि ट्रक में बहुत सा ऐसा सामान होता है जिसकी अक्सर शिकायत ये होती है थाना परिसर में कि साहब डीजल निकाल लिया, टायर, तो उनके लोग भी रहते हैं, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो उनके ड्राइवर थे या उनके मालिक, यही सब मिलके इसे किए हैं। बाकी एक बार वो आ जाए तो उसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।